शादी के 9 दिन बाद सुगंधा मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जलंधर के होटल पर भी होगी कार्रवाई। जी हां, सुगंधा का टीवी पर लंबा करियर रहा है। वे 2008 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में नजर आई थी, जिससे उन्हें पहचान मिली। बाद में वे विद्यावती के रोल में द कपिल शर्मा शो में नजर आई, जिससे वे खूब मशहूर हुई। कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले की 9 दिन पहले ही पंजाब के जलंधर में शादी हुई है। गुरुवार को सुगंधा के खिलाफ फगवाड़ा में कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, कोरोना काल में हुई ये शादी अब कानूनी पचड़े में फंस गई है। खबर है कि गुरुवार को सुगंधा के खिलाफ फगवाड़ा में कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इसे सुगंधा और संकेत दोनों ने बताया था कि उनकी शादी में सिर्फ परिवार के ही लोग थे, लेकिन उन पर आरोप है कि उनकी शादी में नियमित संख्या से ज्यादा भीड़ जुटी थी। सुगंधा के अलावा संबंधित होटल के प्रबंधन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। हालांकि किसी ने इस मामले में किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर है कि सुगंधा की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सुगंधा की शादी जलंधर के जिस होटल में हुई है, उसके मैनेजमेंट के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 9 दिन पहले ही 26 अप्रैल को क्लब कबाना रिजॉर्ट में सुगंधा ने अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर संकेत भोसले से शादी की है। इस शादी में शरीक होने वाले सभी मेहमानों को 24 घंटों के लिए क्वारंटाइन किया गया था। सुगंधा ने शादी से पहले दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वे अपनी शादी काफी धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये एक प्राइवेट फंक्शन की तरह ही हुई। सुगंधा ने अपनी शादी की सारी शॉपिंग भी ऑनलाइन ही की है। इस जोड़ी की शादी के 9 दिन बाद फगवाड़ा के थाना सदर में सुगंधा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक इस शादी में 100 से ज्यादा लोग जमा थे, जबकि सरकार की तरफ से 40 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी थी।